नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं। सभी दर्शकों का दिन आज का मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और मौसम की अपडेट को लेकर और कुलदीप कुमार जी का भी स्वागत है, पंजाब केसरी टीवी में आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अब मानसून कमजोर पड़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी, कम ऊंचाई और मध्यमवर्तीय कुछ भागों में 25 सितंबर तक, आज से और 25 सितंबर के बीच में, और चंचल सिंह राणा जी का भी पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है, पर मध्यवर्तीय कुछ भागों में 25 सितंबर तक बारिश होने की संभावना जरूर व्यक्त की गई है मौसम विभाग की ओर से। हालांकि मौसम अब खुल गया, मानसून हिमाचल प्रदेश में कमजोर पड़ गया है और 25 सितंबर के बाद हिमाचल प्रदेश से मानसून विदा होने की संभावना है और 26 सितंबर को साफ रहने का पूर्वानुमान, मौसम साफ रहेगा पूरे प्रदेश में, इस तरह का पूर्वानुमान लगाया गया है कि 26 सितंबर को मौसम साफ रहेगा और 25 सितंबर के बाद उसके बाद मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार बीच बीच में बारिशें हो रही है, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं और यदि हम पिछले बार की यदि पिछले आंकड़े देखें, क्योंकि माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश से सामान्यतः जो मानसून है 25 सितंबर के बाद ही विदा होता है, लेकिन 2022 में 3 अक्टूबर को मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हुआ था, 2021 को 8 अक्टूबर को मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हुआ था। हिमाचल प्रदेश में सितंबर के महीने में सामान्य से 29% कम बारिश इस बार हुई है और यदि 24 जून से 31 सितंबर तक प्रदेश में सामान्य से 35% अधिक बादल बरसे हैं। 1 से 21 सितंबर के बीच में 94.2 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन इस अवधि के दौरान 1 सितंबर से लेकर और 21 सितंबर या 22 सितंबर आज तक मान लें तो 22.1 मिलीमीटर बारिश हिमाचल में रिकॉर्ड हुई है। और इस तरह से प्रदेश में जो मानसून इस बार जो बारिशें सितंबर के महीने में हुई है वो सामान्य से कम, काफ़ी कम हुई है। हालांकि बीच बीच में जिन जगहों पर बारिशें हुई है तो वहां पर अधिक बारिशें हुई है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी क्षेत्र में अधिक बारिश हुई है तो दूसरी जगहों पर भी ऐसा हुआ हो, दूसरी जगह मौसम भी साफ रह सकता है। क्योंकि अगस्त के महीने में हमने देखा था कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिशें देखने को मिली थी, 7 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि 5 जिलों में सामान्य से बहुत ही कम बारिश रिकॉर्ड हुई और नतीजा यह निकला कि हिमाचल प्रदेश में अगस्त के महीने में सामान्य से 4% कम बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि नुकसान हिमाचल प्रदेश में लाखों का हुआ, जान माल का नुकसान हुआ। 11 अगस्त के बीच में हिमाचल प्रदेश में जो बारिशें हुई तो उसके कारण करीब 75 लोगों की जान भी गई थी, तो इस तरह का नुकसान भी हुआ। लेकिन बारिशें यदि ऑन रिकॉर्ड देखें तो सामान्य से कम हुई है, क्योंकि और बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। गुड मॉर्निंग जी। और प्रदेश में पिछले एक दो दिनों से जो मौसम साफ है तो उसकी वजह से अब तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो चंबा का जो अधिकतम तापमान रहा है वो 32.6 रहा है, केलोंग का 22.5, धर्मशाला का 30.30 डिग्री सेल्सियस, कांगड़ा का 32.6 डिग्री सेल्सियस, मंडी का 32.9, कल्पा का 25.2, सुंदरनगर का 32.4, भुंतर का 32.1, बिलासपुर का 34.4, शिमला का 23.6, कुफरी 20.4, सोलन का 31 डिग्री सेल्सियस और ऊना का 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में अब जो मौसम है, हालांकि 25 सितंबर तक अभी मौसम विभाग की का माना जाए तो 25 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश में बारिशें होने की अभी संभावना बनी हुई है, लेकिन 25 सितंबर के बाद मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हो जाएगा। यदि हम बारिशों की बात करें तो 1 जून से और 20 सितंबर तक का रिकॉर्ड भी हमारे पास है कि 1 जून से 20 सितंबर के बीच में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हालांकि मार्च के महीने से ही बारिशें होनी शुरू हो गई थी, लेकिन 1 जून से 20 सितंबर के बीच में 22 सितंबर के बीच में
प्रदेश में जो बारिशें हुई है ओवरऑल वो सामान्य से 35 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हुई है। और चंचल सिंह राणा जी की तरफ से भी हमें एक अपडेट आई है, उन्होंने अपने क्षेत्र का एरिया बताया है कि थूरल, ड्रोब, आलमपुर, भवारना में आज सुबह हल्के बादल छाए रहे हैं और बारिश के आसार कम ही हैं। बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश के आसार कम उन्हें लग रहे हैं। और उन्होंने थूरल, ड्रोब, आलमपुर, भवारना की पूरी जानकारी, जो पालमपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ का मौसम बताया है। तो हिमाचल प्रदेश में सभी दर्शकों से हमारा आग्रह भी रहता है कि आप भी अपने क्षेत्र की जानकारी हमारे साथ साझा करें ताकि हम और दर्शकों तक उस जानकारी को पहुँचा सके। और गुड मॉर्निंग जी, मुकेश गुप्ता जी सुंदर है हमारा सोलन, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप नए बस स्टैंड से न्यू कथेड़ का एरिया और मालोड की भी यहाँ से थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं और जौहर पार्क भी यहाँ से नज़र आ रहा है। और जौहर पार्क लेकिन तिरंगा झंडा यहाँ पर लहराता रहता है लेकिन आज लग रहा है कि तिरंगा झंडा शायद कोई दिखाई नहीं दे रहा है, हल्की हल्की थोड़ी धुंध भी है पूरे की तरफ को। और गोविंद कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, मुकेश गुप्ता जी का भी हम स्वागत करते हैं जो सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ते हैं। और सभी दर्शक चंचल सिंह राणा जी हमारे नियमित है, बिंदिया ठाकुर जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, कुलदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुलदीप कुमार जी भी हमारे एक नियमित दर्शक हैं। और हम बात कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में 1 जून से लेकर 20 सितंबर तक सबसे अधिक जो बारिशें इस बार रिकॉर्ड की गई हैं और बादल जो बरसे हैं वो सोलन जिला में बरसे हैं, 70% बादल अधिक बरसे हैं सामान्य से अधिक। शिमला में 70%, बिलासपुर में 66%, हालांकि बिलासपुर में अगस्त के महीने में देखा जाए तो 89% बारिश अधिक हुई थी लेकिन सितंबर तक का आंकड़ा इस तरह का है। और बिंदिया ठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि कैमरा स्टेबल नहीं है। और मौसम, चमन लाल जी हमें बता रहे हैं कि मौसम मंडी में भी साफ है, मंडी का जो तापमान मौसम है और इस वक्त साफ बताया जा रहा है। और बिंदिया ठाकुर जी का हमारे से आग्रह है कि आपका कैमरा स्टेबल नहीं है क्योंकि एक जगह पर हमने स्थापित नहीं किया हुआ है और कोशिश करते हैं कि कैमरे को एक जगह पर हम स्थापित करके आपको थोड़ा सा व्यू सोलन का दिखाएं कि किस तरह का सोलन का यहाँ की तस्वीरें हैं। और उम्मीद करते हैं कि अब जो कैमरे को लेकर बिंदिया जी की दिक्कत थी उसे भी हमने दूर करने का प्रयास किया है और धीरे धीरे मौसम की अपडेट में जो आंकड़े हैं उसके अनुसार हम बताते हैं कि बिलासपुर में हम बात कर रहे थे कि अगस्त के महीने में 89% बारिश बिलासपुर में रिकॉर्ड हुई थी लेकिन 1 जून से अगर 22 सितंबर तक की बात करें तो वहां पर 66% सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मंडी में 56% अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है और हमीरपुर में 47%, कुल्लू में 53%, कांगड़ा में 14%, किन्नौर में 22%, सिरमौर में 46%, ऊना में नॉर्मल से 5% अधिक बारिश हुई है। लाहौल स्पीति इकलौता जिला ऐसा है जहां पर पूरे मानसून सीजन में 38% बारिश सामान्य से कम रिकॉर्ड हुई है, केवल लाहौल स्पीति में। अदरवाइज 11 जिलों में हिमाचल प्रदेश में 1 जून से लेकर 22 सितंबर तक सामान्य से अधिक बारिशें देखने को मिली है और ओवरऑल जो आंकड़ा है वो 35% हिमाचल प्रदेश में बारिशें अधिक हुई है। इस तरह से सितंबर महीने की बात करें और चंचल सिंह राणा जी को हमारा जो सोलन का कथेड़ का एरिया है वो काफ़ी पसंद आया है और हमने कैमरे को भी एक जगह स्टेबल कर दिया हुआ है क्योंकि बातचीत करती बार कई बार हाथ हिलता रहता है तो उसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है व्यू में। और सितंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिशें रिकॉर्ड हुई है क्योंकि पूरे प्रदेश में ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर के महीने में सामान्य से काफ़ी फीसदी बारिशें कम हुई है। तो सोलन जिला में सामान्य से 65% कम बारिश हुई है सितंबर में
शिमला में नॉर्मल से 57% कम बारिश हुई है, लाहौल स्पीति में सामान्य से 70% बारिश कम हुई है, किन्नौर में 54% कम बारिश हुई है, सिरमौर में 24% कम बारिश हुई है, ऊना में 7% कम बारिश हुई है, चंबा में 12% कम बारिश हुई है, बिलासपुर में नॉर्मल से 1% कम बारिश हुई है। इस दौरान कांगड़ा हमीरपुर दो जिलों में ही नॉर्मल से 26% कांगड़ा में और हमीरपुर में 5% अधिक बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में यदि आंकड़ों को भी गवाह माना जाए तो सामान्य से अधिक बारिशें हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। यह बात अलग है कि अगस्त और सितंबर महीने में ओवरऑल यदि हम देखें तो सामान्य से कम बारिशें हुई है और प्रदेश में आने वाले 5 दिनों में अब बारिश के हालांकि वैसे तो कम आसार है क्योंकि मानसून अब पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन मौसम विभाग ने 25 जून तक अब प्रदीप दस्ता जी आप घास काट सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बारिशें अब कम होगी और अब इस तरह की बारिशें बिल्कुल भी नहीं होनी है जैसी हिमाचल प्रदेश में हो रही थी, क्योंकि घास काटने का मौसम आ गया है और अब घास आप काट सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि अब जो मौसम है अब मौसम बिल्कुल नॉर्मल होता जा रहा है, मानसून अब हिमाचल प्रदेश में 25 सितंबर के बाद विदा होने के मौसम विभाग की ओर से भी माना गया है कि 25 सितंबर के बाद मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हो जाएगा। 26 सितंबर को मौसम हिमाचल प्रदेश का पूरी तरह से साफ रहेगा, बारिश होने के कम आसार है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की हालांकि हिमपात होने की संभावना बनी हुई है और इस तरह का मौसम है। आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख रहे हैं और सोलन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न्यू बस स्टैंड जहाँ पर बड़ी संख्या में इस वक्त बसें भी खड़ी हैं क्योंकि गंतव्य स्थान की ओर अब जाने की तैयारी है। 8 बजे तक पुराने बस स्टैंड से माल रोड होते हुए सारी बसें चलती हैं और अब 8 बजे के बाद यहां से न्यू बस स्टैंड से बसें अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएगी। तो सोलन में इस तरह का आप देख रहे हैं मौसम, सोलन का साफ है और इसी तरह का पूरे प्रदेश का मौसम बना हुआ है। पंजाब केसरी टीवी से मैं मौसम की जानकारी फिलहाल। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और हर रोज की तरह सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे सोलन की, सोलन में मौसम साफ है, हालांकि पूरे प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना हुआ, कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने 25 सितंबर तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना को व्यक्त तो जरूर किया है, लेकिन जो मानसून के विदा होने का मौसम विभाग की ओर से है कि 25 सितंबर के बाद मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हो जाएगा। और चंचल सिंह राणा जी ने भी प्रदीप जी को एक सुझाव दिया कि 25 सितंबर के बाद आप घास कटाई का काम शुरू कर सकते हैं क्योंकि 25 सितंबर तक प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश की जो संभावना है मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है, लेकिन 26 सितंबर के बाद प्रदेश का मौसम साफ रहेगा और उसके बाद मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हो जाएगा। हालांकि पिछले वर्ष 3 अक्टूबर के आसपास मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हुआ था, इस बार भारी बारिशें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। 1 जून से लेकर अभी तक करीब 35% बारिशें प्रदेश में अधिक हुई है। हालांकि सितंबर महीने में सामान्य से कम बारिशें रिकॉर्ड हुई है, अगस्त में भी सामान्य से कम बारिशें ओवरऑल रिकॉर्ड हुई है, जबकि कई जिलों में बहुत अधिक बारिशें होने की वजह से नुकसान भी बहुत अधिक हुआ था। लेकिन अब बारिशों का दौर एक तरह से जो मानसून चला हुआ था अब वो ख़त्म हो गया है। मानसून मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। चंचल सिंह राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आता है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का जो हमारे साथ सुबह सुबह के वक्त बड़ी संख्या में जुड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम सब्जियों की भी आपको जानकारी देंगे कि प्रदेश में या सोलन सब्जी मंडी के माध्यम से पूरे प्रदेश की सब्जियों का हाल भी बताएंगे कि किस तरह की स्थिति चली हुई है, क्योंकि सब्जियां मंडियों में सस्ती हो रही है लेकिन बाजार में नहीं हो रही है, क्या वजह है वो भी हम आपको बताएंगे। और सेब मंडी का क्या स्थिति है क्योंकि सेब की आपूर्ति अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि जो हाइट के क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के जहाँ बहुत अधिक सेब का उत्पादन होता था बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और सेब अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, रेट
अच्छे माल के अच्छे रेट भी मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सेब की क्वालिटी थी वो इस बार बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसके वजह से बागवानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। तो वो भी हम आपको जानकारी देंगे, सेब मंडी की भी और टमाटर की भी, टमाटर की क्या स्थिति है, क्योंकि किसानों की हालत इस वक्त बहुत पतली है, जिन्होंने टमाटर लगाए हुए बरसात के सीज़न में, किसानों को भारी नुकसान इस बार टमाटर में हो रहा है। हालांकि गर्मियों के सीज़न में टमाटर के अच्छे दाम भले ही थे, लेकिन बरसात के सीज़न में टमाटर के दाम, लागत को पूरा करना भी किसानों के लिए अब परेशानी का सबब बन चुका है। लागत भी पूरी नहीं हो रही है और किसान की यही स्थिति हमेशा रहती है। बीच में थोड़े दिन भाव उठे थे तो कुछ पैसा कमा गए थे, लेकिन अब हालत फिर वहीं के वहीं पहुंच गई है। तो पंजाब केसरी टीवी में से बने रहने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।